ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी से हमें बहुत कुछ मिलता है। पेड़ पौधा हमें लगाना चाहिए, सभी जानते हैं, बच्चों की तरह नहीं है, बहुत ही सही चीज़ है। और सभी चारों, आज हम पेड़ पौधा हमारे लाइफ में, मेरे जीवन में जो भी है ख़त्म हो रहा है, जिस ख़त्म हो गया इसके वजह से ही हम बहुत ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसीलिए पेड़ पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए। यदि आपके पास कम स्पेस है, छत है, तो बालकनी है, तो पर भी आप लगाइए ज़रूर। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं सुनीता आज अपने गार्डन की थोड़े से ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो इंडोर प्लांट्स जिसको बोलते हैं। मेरे पास कुछ ही अभी इंडोर प्लांट्स हैं, कुछ तो मैं आपको ग्रोइंग टिप्स दिखाई हूँ बनाकर वीडियो पर, कुछ कुछ आज मैं सिर्फ अपने इंडोर प्लांट्स को दिखाऊँगी और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानने की कोशिश करूंगी, बताने की कोशिश करूंगी। जैसे ये स्पाइडर प्लांट्स और एरिका पाम, पीस लिली, ये सब प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, भाई बहुत सारे इंडोर प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन ही देते हैं और रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। और सब प्लांट्स हैं जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, पर ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हम इंडोर प्लांट्स इसको बोलते हैं, क्योंकि घर के अंदर हम लगा सकते हैं इसको। जैसे ये सिंगोनियम, ये सब सारे प्लांट्स ऐसे ही हैं, स्नेक प्लांट्स और इंडियन ये तुलसी, रामा तुलसी, ये सब सारे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन देने वाले ही प्लांट्स हैं। और अभी जो बीमारी फैल रहा है इसमें, तो ज़्यादातर लोगों को इस टाइप का प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। मनी प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, मैं नाम लेने लगूंगी तो पूरा वीडियो ही ख़त्म हो जाएगा, पर कुछ मेरे पास अभी था इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। इसलिए यदि आपके पास नहीं है तो आप इस प्लांट्स को ज़रूर लगाएं, अभी हमें बहुत ही ज़रूरत है ऐसे प्लांट्स को लगाना, स्नेक प्लांट्स। और अभी मैं रामा तुलसी को भी दिखाऊंगी। देखिए मेरे पास सारे ये स्नेक प्लांट्स हैं, अभी इसमें से दो चार, एक ही प्लांट में लगाई थी और इतने सारे इसमें से प्लांट्स निकलना शुरू हो गए। बस इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताने वाली हूँ कि बस इतना ही जाने कि हमें ये प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरे ये मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मैं ज़्यादा बड़े ज्ञानी तो नहीं हूँ, फिर भी ट्राई करी कि थोड़ा बहुत कुछ आप लोग से शेयर करूं। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो ज़रूर इस वीडियो देखने के बाद अपने घर में भी प्लांट्स लगाने की कोशिश करें। और ये देखिए, ये मैंने एलोवेरा भी ऐसा प्लांट्स है जो ऑक्सीजन ही देता है, बहुत सारे ऐसे हैं। इसके सीड से आप आराम से घर पर ग्रो कर सकते हो। देखिए मैंने सीड्स से ही डाला था, छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो गया है इसमें। और इसे आप जितना भी लगाओ उतना ही सही है, इसलिए मैं प्लांट्स को अभी छोटे छोटे मैं दूसरे बड़े पॉट में लगाऊंगी।
बस आपको दिखा रही हूँ कि आप इजली ये ग्रो कर सकते हो। गवा तुलसी घर में इसे तो पूजा भी करते हैं हिंदू धर्म में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ।